नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 208 किलोमीटर लंबाई के हिम्मतनगर उदयपुर गेज कन्वर्जन में आखिरी सेक्शन जयसमंद रोड से खरवा चांदा का कार्य पूरा हो चुका है। सीआरएस महोदय का कार्यक्रम जारी होने के बाद अब उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा इस पर स्पीड ट्रायल की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बाबत एक अधिसूचना आज के अखबारों में प्रकाशित हुई है, जिसमें कि यह स्पीड ट्रायल आज यानी कि 4 जुलाई और कल 5 जुलाई को होना है तथा इसके बाद में सीआरएस का स्पीड ट्रायल 9 जुलाई को किया जाएगा। इस बाबत सूचना जारी की गई है कि सभी लोग जो रेलवे ट्रैक है उसके आसपास दूरी बनाकर रखें तथा अपने मवेशियों को खुला ना छोड़ें तथा ट्रैक को सावधानी से देखकर पार करें। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रायल आज लिया जाना है। पूर्व में सीआरएस का कार्यक्रम उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा 31 मई निर्धारित किया गया था, लेकिन कार्य पूरा ना होने की वजह से यह अब जाकर किया जा रहा है। इस बीच विभिन्न प्रकार की समस्याओं से श्रमिकों को जूझना पड़ा, जिसमें कि गर्मी और विपरीत परिस्थितियां शामिल थी तथा अब यह कार्य पूरा होने की कगार पर आ चुका है। टेली कम्युनिकेशन तथा सिग्नलिंग से संबंधित कार्य संबंधित स्टेशनों पर लगभग पूरे कर लिए गए हैं। जो टनल है उसमें भी लाइटिंग और टेली कम्युनिकेशन का कार्य हो चुका है तथा यह महत्वपूर्ण ट्रायल खारवा चांदा की ओर से शुरू किया जाएगा, जो कि जयसमंद रोड तक होगा तथा इस पूरी प्रक्रिया में 2 दिन का वक्त पश्चिम क्षेत्र के सीआरएस महोदय लेने वाले हैं। तो वह काफ़ी बारीकी से इस पूरे सेक्शन की जांच करेंगे कि इसमें सभी कार्य सही तरीके से किए गए हैं अथवा उनमें कोई कमी रह गई है। अगर कोई कमी पाई जाती है तो उस स्थिति में वे अपनी टिप्पणी में इसको दुरुस्त करने हेतु लिखेंगे। सीआरएस के बाद उनके द्वारा फाइनल अप्रूवल जारी कर दिया जाएगा, जिसमें कि सेक्शन में कितने अधिकतम गति पर ट्रेनें चलाने हेतु परमिट किया जाएगा इसकी पूरी डिटेल दी जाएगी तथा जो भी सुधार कार्य जो उन्होंने कुछ भी इसमें खामी पाई है तो उसे दुरुस्त करने हेतु वे निर्देशित करेंगे, जैसा कि उन्होंने जयसमंद रोड से डूंगरपुर के बीच में हुए सीआरएस में किया था। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण सीआरएस कार्य इस सेक्शन का किया जाना है। इसके पश्चात जो असारवा से डूंगरपुर होकर उदयपुर के लिए ट्रेनें शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, वह भी इस महीने के अंत तक या फिर 15 अगस्त, तो इसके बारे में फाइनल ही मानी जा रही है। शुरुआत में इसमें असारवा उदयपुर डेमू गाड़ियां और उदयपुर असारवा इंटरसिटी का संचालन होना तय माना जा रहा है। वहीं जो IRTTC की बैठक में प्रस्तावित की गई है ट्रेन असारवा से कोटा एक्सप्रेस गाड़ी, उसका भी संचालन किया जा सकता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेन कोटा से उदयपुर असारवा अहमदाबाद के लिए साबित हो सकती, क्योंकि वर्तमान में काफ़ी लंबा सफ़र कोटा से अहमदाबाद के लिए यात्रियों को करना पड़ता है। तो यह काफ़ी गेम चेंजर उस रूट के यात्रियों के लिए और ट्रेनों के लिए साबित हो सकता है। तो खैर, हमें जो सीआरएस कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके पूरा होने की प्रतीक्षा करना होगी तथा इस सेक्शन के लिए होने वाले इस महत्वपूर्ण ट्रायल्स के लिए हम क्षेत्रवासियों और रेलवे को अपनी शुभकामना अपने व्यूअर्स की ओर से प्रेषित करते हैं। इस सीआरएस कार्यक्रम के और अधिक अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।